गुड मॉर्निंग, नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो को दो पार्ट में रखेंगे और बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि अभी मैं रोप वे जो जोशीमठ से ओली जाता है और फिर ओली से दूसरे पार्ट में जोशीमठ का वापसी का पूरा होगा। तो आप दोनों वीडियो पूरा देखें, आपको अच्छा लगेगा और पूरी इसकी जानकारी मिलेगी। अभी मैं जोशीमठ स्टेशन पर ही हूँ और यहाँ से शुरू करते हैं और ओली जाएंगे और ओली से फिर वापसी यहीं पर आएंगे। चलो शुरू करते हैं। बैग निकालो। जोशीमठ से शुरू हो गया है और अभी ओली की तरफ जा रहे हैं। ये यहाँ का व्यू, सब स्टैंडिंग है, सिटिंग कोई भी नहीं है। और ये देखिए यहाँ पर पूरा व्यू जो है, ट्रॉली की शेडो नीचे चल रहा है। साइज करो ना, साइज सुन लो। हां आज तो देखे जाछ सेटअप नहीं जात के ओरिजिनल होगा। छोटे छोटे
Can I come there? Can I come there? Go there. ये पूरा सफरचंद का गार्डन है, पूरा हाँ पूरा एप्पल एप्रिकॉट वॉलनट चेस्टनट पीच डियर पूरा गार्डन ही है। ये एप्पल का है। कौन सा एप्पल? ये पूरा जो रेड कलर दिख रहा है आपको फूल है क्या? नहीं नहीं एप्पल है, अगस्त में निकलता है। अभी छोटा है ना, बहुत बड़ा होगा। ये देखो ये एप्रिकॉट है, ये वाला छोटे छोटे ना हरा हरा। हाँ जिनका अपना अपना घर है उनका अपना अपना जमीन है, उसका है पर्सनल है। इसको चलाना पड़ता है या अपने आप चल रहा है? नहीं जोशी मर्ची चल सकती। अच्छा वहीं से कंट्रोल होता है। हाँ ये इसमें दो है ना, एक आता है एक जाता है। जो आने वाले हैं वो टावर नंबर 8 पर रुकी है, इसलिए ये भी रुकी है। जिन्होंने कल स्टे किया था ना वहाँ पर, वो लोग बैठे उधर स्टे करने की जगह। हाँ स्टे होटल है वो। कितना रोपवे है पूरा? दो है, एक आता है एक जाता है। अच्छा अच्छा दो चलते हैं। टोटल 10 टावर है ना। अच्छा 10,200 फीट पर जाएंगे। हाँ लास्ट टॉप। और यहाँ ये जब स्टार्ट किया ये कितना है? ये 6,000 पे है, 4,200 फीट और ऊपर जाते हैं। 4,200 फीट ऊपर जाना है, इसलिए बिल्कुल स्लो चल रहा है। 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है। 4,200 फीट पे है जोशी मठ, 6,000 पे है तो 4,200 फीट हम ऊपर जो कप्पी कोट। कौन सा वो निकल पीछे रह गया, नीचे रह गया वो ग्रीन ग्रीन। ये सब कौन सा पेड़ है? ये पूरा नंदा देवी नेशनल फॉरेस्ट है, 22 ईयर रिजर्व फॉरेस्ट है। इसमें आपका ब्लैक बियर है, स्नो लेपर्ड है, टाइगर डियर, मस्क डियर, वाइल्ड बोर बहुत है। दिखाई देता बहुत। अच्छा अच्छा सबसे ज्यादा इसमें ब्लैक बियर है। आपको अभी दिखाएगा तो हमको दिखाएगा? ना ना आपको दिखाई दिया तो बताएगा। हमने तो बहुत बार देखा है, पर दिन में बहुत कम चांस होती है। जो बड़े बड़े पेड़ है ना, ये ओक ग्रीन ओक बोलते हैं। ग्रीन ओक, ये ग्रीन ओक का फॉरेस्ट। ग्रीन ओक सिल्वर ओक नहीं थे तो इधर जाएंगे गोल्डन ओक मिलेगा। इसकी 3 वैरायटी होती है। इधर एनिमल भी दिख जाते हैं? हाँ जी जानवर दिखते हैं। हाँ जानवर दिखते हैं। ये ग्रीन ओक का फॉरेस्ट है, सिल्वर और गोल्ड। गोल्ड
ऊपर जाएंगे गोल्डन ओक मिलेगा। पत्ता डिफरेंट होता है, फिर पेड़ में भी डिफरेंट होता है, ये बड़े है ना, वो तो सिल्वर होगा वो छोटा होता है, पत्तियां भी लंबी होती है। ये अखरोट है, पूरा अखरोट का है, ये मोटा होता है, बड़ा होता है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। ये ओलिका रोड है, बाय रोड भी जा सकते हैं। कितना टाइम लगता है जाने का, कितना टाइम बाय रोड? इसमें आपका 22 मिनट लगेगा, बाय रोड जाएंगे तो 45 मिनट, पर रोड टॉप तक नहीं जाते, ये मीटर तक ही जाते। और ये टॉप पे जाएगा? ये टॉप पे जाएगा। ये देखिए हिमालय की शिवालिक रेंज आई है, ये सामने दिख रहा है, ये क्लाउड लगा है, ये है लोटस पीक, ब्रह्म कमल एक फ्लावर होता है ना, सेम उसी का। केदारनाथ आप ही दिखेगा, आपको नर और नारायण पर्वत दिखेगा ना, उसके पीछे से केदारनाथ। सीधा पकड़ा, ये कल का पड़ा हुआ है, पूरा स्नो ताजा फ्रेश है, ये कल का पड़ा हुआ, कल स्नो हुआ था। हाँ कल स्नो फॉल हुआ था। हाँ कल ना ना कल, ये स्केटिंग ग्राउंड है, आइस स्केटिंग ग्राउंड, ये वाला आइस स्केटिंग, आइस स्केटिंग अभी तो आइस नहीं है, अभी तो दिसंबर में, तो आइस आइस में भरा रहता है। हाँ पूरा आइस से भरा रहता है। तो हेमकुंड साहब उधर रह गया, वो साइड? हाँ उस साइड में रह गया। वो बद्रीनाथ भी उधर रह गया? हाँ बद्रीनाथ किधर? बद्रीनाथ इधर, अभी देखिएगा आपको नर और नारायण पर्वत ना, बीच में बद्री बिछा देगा, ये सब शिवालिक रेंज का, ये पूरा शिवालिक रेंज है। वहाँ देखिए बीच सेंटर में वो है नंदा देवी, ये इंडिया की सेकंड हाइट, वर्ल्ड का फोर्थ हाइट, 7810 मीटर उसकी हाइट है, सामने जो सबसे हाइट में दिख रहा है, बिल्कुल वाइट, बीच में जो अलग है सिंगल अभी निकला है, आने का साधन यही है, क्योंकि ओली का जो रोड है ना वो बंद हो जाता है, तो ये चलता ही रहता है, ये चलता ही रहता है, तो टिकट ये रहता है, जो रोड है ना वो बंद हो जाता है, तो ये चलता ही रहता है, ये चलता ही रहता है, तो टिकट ये रहता है, टिकट ही रहता है। तो उस टाइम तो अलग ही होता है फिर नजारा, इस टाइम तो ये लगा पूरा स्वर्ग है, बिल्कुल सफेद सफेद होता है, एकदम व्हाइट, पूरे जितने भी माउंटेन है सब व्हाइट ही व्हाइट, चारों तरफ, यहाँ भी व्हाइट, चारों तरफ व्हाइट, पूरा व्हाइट। हिमालय ये पूरा हिमालय की शिवालिक रेंज तो है, पूरा हिमालय रेंज है,
इसकी तीन रेंज होती है, मातृ, शेषाद्री, शिवानी। ये शिवानी का, अच्छा ये शिवानी की रेंज, ये शिवानी का। यहाँ जो जंगल है पेड़ का, वो कौन से पेड़ है? ये गोल्डन ओक लग गए मैम, ये सारा गोल्डन ओक का फॉरेस्ट है। हाँ एनिमल्स काफी है, उसमें ब्लैक बेयर है, स्नो लेपर्ड है, टाइगर, डियर, मस्क डियर, बहुत है जंगल। वो फोर सीटर है, ओपन चेयर, ऑली टू ऑली चलता है। नीचे रिजॉर्ट है ना, वहाँ से यहाँ तक 8 मिनट चलता है। ये ग्लास हाउस है, ये व्यू पॉइंट बना रखे, विंटर में जैसे स्किंग होती है यहाँ, इसके अंदर आप बैठ के मतलब वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, स्किंग, स्नोफॉल देख सकते हैं। जी 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 हाँ, ये है स्किंग का ट्रैक, जो नेशनल होता है ना, इस ट्रैक पर होता है, पूरा नीचे तक है ये स्किंग का, ये वाला है। तो ये कब होता है? विंटर में, दिसंबर टू मार्च। दिसंबर टू मार्च, उसी टाइम। ये इसमें ट्रैकिंग होता है? स्किंग, स्किंग होता है। स्किंग मतलब आइस स्केटिंग? स्केटिंग, आइस स्केटिंग अलग होता है, स्किंग अलग होता है, ये स्किंग का है, स्केटिंग का नीचे था। वहाँ के लोग काम कर रहे हैं? हाँ, वो आर्मी वाले रॉक क्लाइंबिंग कर रहे हैं। आर्मी वाले जाते हैं रॉक, वो आर्मी वाले रॉक क्लाइंबिंग कर रहे हैं। आर्मी वाले जाते हैं रॉक, अभी तो हम दो टावर और आ जाएंगे। कितना आधा आगे? नॉर्थ नारायण दिखाई नहीं, वो दिखा, वो सामने देखो, उधर वाला नारायण है, इधर वाला नर, बीच में बदली बिछा दिए, वही है बैद्यनाथ। वो नर और नारायण पर्वत है, बीच में बदली बिछा दी, उधर वाला नारायण है जो स्नो वाला पीक है, इधर वाला नर है, बीच में बदली बिछा दी। अच्छा। पीछे जो व्हाइट दिख रहा है, व्हाइट दिख रहा जो, हाँ। और ये है द्रोणागिरी पर्वत, जो हनुमान जी संजीवनी ले गए थे ना, इसी पर्वत से ले गए थे। वो नंदा देवी की बाएं तरफ देखिए, हाँ स्नो वाला, पीछे वाला, जो पीछे हाँ, तो इधर है क्लाउड के बीच में दिखाई दे रहा है, पीछे वाला, पीछे वाला पूरा स्नो वाला, हाँ जो टॉप से पहले वाला, हाँ जो टॉप से पहले वाला, वो टॉप दिख रहा ना, उस पूरा पोर्शन उसी का है। जो स्क्रीन बोल रहा है वो क्या, वो क्या चीज है? ये लिफ्ट है ऊपर जाने के लिए, इससे स्केयर ऊपर जाएगा, वहाँ से वहीं से आता है, वही वाला है, हाँ वो हट दिख रहा है वहाँ से, वहीं से स्टार्ट होता है। कितने किलोमीटर जाता है? ये 1.5 किलोमीटर का है। नीचे भी क्या लोग रहते हैं? हाँ 3-4 महीने रहते हैं यहाँ पे, ये अपनी गाय वगैरह मतलब भेड़ वगैरह लेके आते हैं। बहुत ये आर्टिफिशियल लेक है, इसका विंटर में आर्टिफिशियल स्नो भी बनता है, वो लेक आर्टिफिशियल लेक है। गोल्डन कलर नहीं रहा, हाँ कौन सा? गोल्डन ओक, ये पूरा गोल्डन ओक का फॉरेस्ट है। ये भी लकड़ी के लिए काम में आता है, ये सिस्टम अधिकतर गंगा देवी नेशनल फॉरेस्ट है, 22 एकड़ पूरा, दिसंबर से मार्च पूरा।
चार महीना पूरा व्हाइट ही है। सबसे बेस्ट कौन सा होता है? इतना मुश्किल हो जाता है। सबसे बेस्ट कौन सा है, कौन सा महीना है? फरवरी में उसमें थोड़ा ठंड भी कम हो जाती है, बर्फ भी रहती है, मौसम भी साफ रहता है। फरवरी सबसे टॉप का है, जो नेशनल होता है फरवरी में होता है। क्या हम पहुंच गए? हाँ, लास्ट टावर है ये लाइट। तो वहाँ से हम 4200 की हाइट, हाँ 4200 हाइट की चढ़ चुके हैं। टोटल कितना हो गया? 10,200। बारह महीने चलता रहता है ये, 12 महीने चलता है। और ये सेम ट्रिप ऐसे ही रहता है जो अभी चल रहा है, ऐसी ही हाँ, ट्रिप ये सब। और टिकट भी यही रहता है? कभी भी टिकट यही रहता है, उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम मिलता है ना, इसमें थोड़ा कम मिलता है। कैसे? उसमें 3 घंटा मिलता है। 3 घंटा कैसे? अभी जैसे 50 मिनट मिलता टाइम, हाँ उस समय विंटर में 3 घंटे का टाइम मिलता है। उसमें हम 12 बजे बुकिंग बंद कर देते हैं। अच्छा, फिर वापस ही नहीं। नहीं समझ में नहीं आया, 3 घंटा कैसे मिलता है? मतलब यहाँ रुकने का? यहाँ रुकने का स्टे के लिए। अच्छा, फिर आपको वापस कब जाना है? 50 मिनट बाद। नहीं, जैसे मेरे को तो रुकना है, 2 दिन बाद जाना है। आपको तो रुकना है ना, हाँ। आपको तो स्टे है यहाँ, हाँ। आप तो 2 दिन बाद जाएंगे ना। नहीं, उसमें टाइम उन्होंने लिखा है, लेकिन इससे टाइम तो लिखा है, लिखा है ना, हाँ। मॉर्निंग में नहीं, अभी जैसे उन्होंने टाइम लिखा है, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप जब जब आना हो ना उस टाइम आप बात कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ये लास्ट पॉइंट हम आ चुके हैं। कैंपिंग करेंगे ना यहाँ? हाँ जी, वो जल्दी बुला दो उनको, फिर कैमरा काली बात आएगी। ये दोस्तों, आपने वीडियो देखा, कैसा लगा अपना कमेंट जरूर करें। इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। अगले वीडियो तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।